सो गाइस, रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली उसका आउटलाइन बनाना पड़ेगा। आपके पास जो रेफरेंस पिक्चर है उसको एब्जॉर्ब करके आप उसका आउटलाइन बना लीजिए। एंड फिर ऐसे जैसे मैं शेडिंग कर रहा हूँ ऐसे आपको शेडिंग करना है। आपके जो पिक्चर है उसको एब्जॉर्ब करके आप अच्छे से शेडिंग करिए। जहाँ जहाँ पर लाइट पोर्शन है वहाँ पर लाइट को लाइट पोर्शन ड्रॉ करना है, और जहाँ पर डार्क पोर्शन है वहाँ पर डार्क प्रेशर का अप्लाई करते हुए आपको ड्रॉ करना है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, और ये मैं चारकोल पाउडर का यूज़ करके कर रहा हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उसका वीडियो बनाया हूँ कि कैसे बनता है चारकोल पाउडर। तो ही चारकोल पाउडर का यूज़ करके मैंने यहाँ पर शेडिंग किया है हेड पे। एंड ये मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पर पिक्चर के हिसाब से मैंने इसको हेयर को ड्रॉ किया है। आपको स्ट्रोक्स डालने हैं बस, यहाँ पर ये ब्लेंडिंग करना है आपको अच्छे से। एंड ये चारकोल पाउडर का यूज़ करके मैं यहाँ पर शेडिंग दे रहा हूँ, क्योंकि ये हेयर डार्क होता है इसलिए ब्लैक होता है, तो इसमें चारकोल पाउडर यूज़ ज़्यादा होगा। सो गाइस, इस वीडियो के बाद आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा कि चारकोल पाउडर कैसे बनता है। मैंने उस पर एक परफेक्ट वीडियो बना रखा है। तो बस आपको ऐसे ही शेडिंग करना है, ब्लेंडिंग करना है, स्ट्रोक्स डालना है। जहाँ पर लाइट पोर्शन है वहाँ लाइट पोर्शन करना है, जहाँ पर डार्क पोर्शन है वहाँ पर डार्क पोर्शन का डार्क प्रेशर का अप्लाई करके आपको शेडिंग करना है। दैट्स इट। आपको बस अच्छे से एब्जॉर्ब करना आना चाहिए, और आपको प्रैक्टिस भी होना चाहिए कि कैसे बनता है। देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर हेयर बन रहा है। पेशेंस रख के बनाएंगे तो हर चीज़ बन जाएगा। यहाँ पर ब्लेंडिंग कर रहा हूँ मैं, ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करके। आप ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए। आपको बस ऐसे ही ब्लेंडिंग करना है। और ये मैं मोना जीरो इरेजर का यूज़ करके यहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ। आप नीडबल इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं, नीडेड इरेजर हाईलाइट देने के लिए। एंड अब मैं यहाँ पर ये अप्सरा का इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत चीप इरेजर है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ये बाय कर सकते हैं अपने स्टार्टिंग में ड्रॉ करने के लिए, हाईलाइट देने के लिए। एंड बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे शेडिंग करना है, ब्लेंडिंग करना है, हाईलाइट देना है, और पिक्चर को एब्जॉर्ब करके आपको ड्राइंग बनाना है। दैट्स इट। और पेशेंस रख के बनाएंगे तो आपका जो रियलिज्म लुक है वो और उभर के आएगा, और क्रिएटिव लगेगा, और मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ मैं बना सकता हूँ। बहुत मज़ा आता है गाइस ड्रॉ करने में हाइपर रियलिस्टिक स्केच। बस यहाँ पर हाईलाइट देना है, शेडिंग करना है बस, और कुछ नहीं करना है।
तो गाइज आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।